continue with the next lecture beta based on miscellaneous exercise, right? Previous lecture में बेटा हमने question number 11 तो complete कर लिया था. I hope so सब तो समझ में आ गया होगा, right? उससे पहले सारे वीडियो हमने कौन से बेस कर लिए थे, अगर आप डायरेक्टली यही वीडियो देख रहे हो तो पहले सारे वीडियो देख लेना, ठीक है? Without wasting time बेटा move with the question number 12. Question दिख रहा है, try करना चाहो तो बेटा तो डेफिनेटली वीडियो तो पॉज करो और ट्राई करो, बट हाँ आंसर कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलना. आई एम कंटिन्यू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन बेटा. लेफ्ट हैंड साइड इवन राइट हैंड साइड, तो जैसा मैंने बोला था राइट हैंड साइड तो हिसाब से हमें सॉल्व करना, मतलब इमीडिएटली मैं दिख रहा है बेटा यहाँ पे एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, तो आपको दिख रहा है एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, मतलब जैसा हमने प्रीवियस वन में दिया था वैसे आप कर सकते हो. लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसा ही दिया था जब मैंने इक्वेशन तो ट्राई करने के लिए दिया था, और आई होप सो बहुत सारों ने यहां पर भी ऐसा ही दिया होगा जिन्होंने अपने आप ट्राई किए, बट मेरी मेथड थोड़ी यहां पे उससे हटते होने वाली है. जरा देखो क्यों, व्हाई? बिकॉज यहां पे वन प्लस है बेटा, राइट? अगर आप एक्स माइनस वाई करो तो इट्स नॉट अ रॉन्ग मेथड, वो करेक्ट ही है कि आप आर वन तो चेंज करो आर वन माइनस आर टू, मतलब यहाँ पे x माइनस वाई मिलेगा, वैसे यहाँ पे y माइनस जेड, बट यहाँ पे प्लस वाला है तो थोड़ा सा लेंथी एंड कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है. अगर आपने अपने आप ट्राई की होगी तो आपने देखा होगा वो थोड़ा सा लेंथी भी होता है, एंड लास्ट में जब हम उसका सॉल्यूशन करते तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है, और वहां पे प्लस माइनस के मिस्टेक भी होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है? लास्ट ईयर वैसा ही हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये सर यहाँ पे निकाला फिर ये भी आ गया था, बट इसको लाने में थोड़ी सी ट्रबल हो गई थी. तो मेरे पास दूसरी मेथड भी है बेटा, राइट? आप देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे जो प्लस वाला बेटा वो एक ही कॉलम में है, ओनली इन द वन कॉलम, राइट? तो हमें कोई टेंशन नहीं है, वो वाली हम प्रॉपर्टी यूज करें. मैंने बोला था ना कि जो भी प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन है डिपेंड करता है आप कौन सी प्रॉपर्टी कहां पे एप्लीकेबल करते हो, राइट? अगर वो लॉजिक चल रहा है तो विद इन योर टाइम इंटरवल, मतलब बहुत ही कम टाइम में आप क्वेश्चन तो सॉल्व कर पाओगे, ठीक है? अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा ये मेथड, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा बिकॉज मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, बट जब आप अपने आप ट्राई करोगे देखना कितने कम टाइम में कंपेयर टू दैट मेथड कितना इजीली हो जाता है. सबसे पहला स्टेप कि वन प्लस है उसको हटा दो बेटा, मतलब इन दोनों को अलग अलग कर दो, कर सकते हैं प्रॉपर्टी से, राइट? मतलब ये हमें क्या मिलेगा बेटा, एक्स वाई जेड, हियर इट इज बेटा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, हियर इट इज 1 1 1, और यहां पे प्लस यहां पे दिया जाएगा बेटा एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा बेटा पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब एंड पी जेड क्यूब. डन, समझ में आया पहला स्टेप? सो इजी. अब देखो कितना इजीली निकल सकता है, यहाँ पे तो कुछ कॉमन ही निकल रहा, बट यहाँ पे देखो बेटा x x square x cube x कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे y यहाँ पे z और यहाँ से p है कि नहीं, मतलब टोटल चार चीजें कॉमन निकल रही बेटा, ठीक है? ये वाला एज इट इज इसमें कोई नहीं, बट हाँ अब ध्यान से देखो बेटा यहाँ पे क्या एक्स वाई जेड, मतलब अगर मैं x कॉमन निकालूंगा यहाँ से y यहाँ से z, मतलब यहाँ पे 1 1 1 आएगा, देख लो पहले से, राइट? यहां से मैं कॉमन निकाल रहा हूं बेटा एक्स वाई जेड और पी भी यहां से निकलेगा, मतलब सारा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, है ना? सो व्हाट इज दैट हियर बेटा 1 1 1, यहां पे एक्स वाई जेड, हियर इट इज बेटा पी निकल रहा है, ठीक है? एट एक्स भी निकल रहा है, मतलब यहां पे आएगा एक्स स्क्वायर यहां पे आएगा वाई स्क्वायर यहां पे आएगा जेड स्क्वायर, आया बेटा? अब यहां पे क्या वही चीज है, डेफिनेटली बेटा वही है ना 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड स्क्वायर, बट यहां पे और इसकी सीक्वेंस अलग है, तो वो भी हमारे पास प्रॉपर्टी है कि वन तो यहां पे ले लो इसको वहां पे एक चेंज दिया, तो अगर हम कोई भी रो या कॉलम तो चेंज करते माइनस की साइन बाहर आती है, बट ये यहां पे आने के बाद भी हमें ये मिडिल में चाहिए, अगर हमें दो चेंज करने पड़ेंगे मतलब टू चेंजेस वी डन इट, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, राइट? तो माइनस माइनस दो बार आएगा हम चेंज कर रहे, तो यहां पे आ गया 1 1 1, यहां पे आ गया एक्स वाई जेड और यहां पे आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर. समझ में आया बेटा सब तो, राइट? दो बार ना लिखना पड़े इसलिए मैंने, ठीक है? अब देखो दोनों सेम आ गए है नहीं, तो इस तो बाहर कॉमन निकाल लो जैसे हम करते बेटा, राइट? अगर हमारे पास ए प्लस ए बी है बेटा, क्या बेटा ए प्लस ए बी, तो आप ए कॉमन निकालो, ब्रेकर में क्या आता है 1 प्लस बी,
बट हाँ यहां पे देखो ए सेम होना चाहिए, इसलिए हमने पहले इसको सेम कर दिया। समझ में आई बात? सो व्हाट इज दैट बेटा, फ्रॉम हियर माइनस माइनस टू प्लस, ये बाहर निकल गया, मतलब यहां पे आ गया 1 1 1 राइट, एक्स वाई जेड एंड हियर इट इज द एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और ब्रैकेट में आ गया बेटा 1 प्लस, यहां पे क्या है पी एक्स वाई जेड। देखो बेटा पहले ही स्टेप में ये वाला आ गया 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, डन, जो मैं चाहिए था वो। अब ध्यान से देखो बेटा 1 1 1 है तो इसीलिए दो तो जीरो में कन्वर्ट कर दो, राइट, मतलब आर वन चेंज फ्रॉम आर वन माइनस, राइट, कौन सा करना चाहोगे आर टू या आर थ्री। अगर आप एक साथ दो स्टेप करना चाहो, राइट, मतलब इन दोनों को जीरो करना चाहो तो दोनों को तीसरे रिस्पेक्ट में आपको लाना होगा बेटा, करेक्ट, आर थ्री के हिसाब से एक साथ अगर दो स्टेप आपको करने हैं तो वन बाय वन करना चाहो इट्स योर लुक आउट, राइट, पहले इन दोनों को सेपरेट करो फिर इन दोनों को, मतलब ये दो जीरो आएंगे, मैंने एक साथ इन दोनों को जीरो आर थ्री के हिसाब से किया। समझ में आई बात? ओके, सो व्हाट इज इट बेटा, राइट, 1 माइनस 1 ये तो 0, यहां पे x माइनस z, यहां पे x स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, क्लियर, यहां पर भी बेटा 0, यहां पे y माइनस z, यहां पे y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर और यहां पे बेटा लास्ट 1 z एंड z स्क्वायर एज इट इज, क्लियर। और ये वाला जो है 1 प्लस pxyz एज इट इज, क्लियर फंडा, एनी डाउट एनी कंफ्यूजन? ओके, सो हियर यू गेट x माइनस z कॉमन, here it is a y minus z, वही आपको चाहिए y minus z चाहिए, बट यहाँ पे क्या चाहिए z minus x चाहिए, राइट, तो कोई बात नहीं, पहले x minus z ले लेते, लास्ट में माइनस वन तो मिल ही जाएगा, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। तो what is that बेटा, राइट, x minus z कॉमन, राइट, यहां से y minus z और ये वाला जो था बेटा 1 plus p x y z as it is, है कि नहीं, तो यहां पे क्या बचे था बेटा, राइट, 0 0 1 तो as it is ये बेटा, राइट, x minus z यहां से कॉमन, मतलब यहां पे 1 आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा x plus z, सिमिलरली y minus z, मतलब यहां पे 1 आ जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा बेटा y plus z, here it is z and z square as it is, क्लियर फंडा। सॉरी, अब क्या बेटा, बस होगा बेटा, सी वन के हिसाब से सोल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वन के हिसाब से सोल्व करेंगे, पोजीशन क्या बेटा ए थ्री वन, मतलब पॉजिटिव रहता तो इश्यू नहीं है, पहले क्या मिल रहे हो लिख डाल दो बेटा, एक्स माइनस जेड मिल रहा है, जेड माइनस सॉरी वाई माइनस जेड मिल रहा है एंड दूसरा ब्रेकेट में बेटा 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, ठीक है, यहां पे 1 के हिसाब से बेटा करूंगा मैं, सो व्हाट आई गेट, राइट, y प्लस जेड माइनस दूसरे ब्रेकेट में x प्लस जेड बेटा, है ना, तो आप ब्रेकेट ओपन करो, व्हाट इज दैट, यहां पे बेटा y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस जेड, जेड माइनस जेड थर्ड क्या मिला y माइनस एक्स, बट आपको क्या चाहिए बेटा x माइनस वाई, तो वहां से माइनस कॉमन निकालो और यहां से भी माइनस कॉमन निकालो, माइनस माइनस प्लस और वो दोनों क्या हो गए इंटरचेंज हो गए, मतलब यहां पे मिल रहा है z माइनस एक्स y माइनस जेड एज इट इज, यहां पे मिल रहा है मुझे x माइनस वाई एंड ये वाला 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, डन। समझ में आया बेटा, इट्स सो इजी, कहीं पर भी कैलकुलेशन बड़ा नहीं हुआ है, आप देख सकते हो, राइट, और आप देखो बोर्ड बड़ा इसलिए राइटिंग बड़े थे, इसलिए आप तो लास्ट टाइम एक स्टूडेंट ने बोला सर राइटिंग थोड़े से बड़े, मैंने बोला ठीक है इस बार ये थी क्वेश्चन करेंगे और बड़े बोर्ड पे, ठीक है, इसलिए मैंने तो ऐसा दिखने में बड़ा होता, बट आप कैलकुलेशन करो तो बहुत ईजी और कम टाइम में हो जाता इस मेथड से, क्लियर, प्लीज राइट डाउन दिस मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 13, राइट, दिख रहा है सबको क्वेश्चन, राइट हैंड साइड क्या लाना है आप तो बेटा थ्राइज ऑफ ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ए प्लस बी प्लस ए दिख ही रहा बेटा, राइट, हाँ अगर ध्यान से देखो बेटा 3a माइनस ए माइनस ए ये वाला करना, ये वाला मत करना वरना माइनस बी माइनस सी आ जाए, और यहाँ पे 3a प्लस ए प्लस ए क्या आ जाएगा 5a अदर प्लस, हाँ बेटा थोड़ा माइनस करते हो बेटा, ये वो 3a माइनस ए माइनस ए तो माइनस माइनस प्लस बी एन सी मिल जाएगा, बट ये करना इजी रहता हमें प्लस करना हो तो, ठीक है, तो सी वन तो हम चेंज कर रहे हैं बेटा C1 प्लस C2 प्लस C3, राइट, वी विल एड इट,
सो व्हाट इज दैट, 3a माइनस है माइनस है, मींस a प्लस b प्लस c. सिमिलरली बेटा व्हाट इज दैट हियर, सेम प्रोसेस बेटा, राइट. सो यू दैट अगेन a प्लस b प्लस c, एंड हियर इट इज आल्सो a प्लस b प्लस c, माइनस a प्लस b, हियर इट इज द 3b, एंड माइनस c प्लस b, here it is beta minus a plus c minus b plus c, and here it is a 3c. Got it? So easy. Now a plus b plus c common, so what is that beta, a plus b plus c common. So in breath that you get beta, means in determinants 1 1 1, here minus a plus b 3b, minus c plus b, minus a plus c, minus b plus c, and 3c as it is. क्लियर फंडा? ओके, व्हाट इज दैट नाउ, सिंपल प्रोसेस जैसा हम करते हैं बेटा, राइट. तीसरी दो तो हम जीरो लेकर आ जाएंगे, तो जैसे प्रीवियस वन में दिया था, अगर एक साथ हमें दो स्टेप करने हैं बेटा, राइट. सो यू कैन डू लाइक दैट, दैट आर वन चेंज फ्रॉम आर वन माइनस आर थ्री, एंड आर टू चेंज फ्रॉम आर टू माइनस आर थ्री, एक साथ दो स्टेप हो जाएंगे, ठीक है. सो व्हाट इज दैट हियर बेटा, ए प्लस बी प्लस सी एज इट इज हियर. वन माइनस वन, हियर इट इज अ जीरो बेटा. यहां पे ध्यान से करना बेटा, जब भी आप करते हो, जैसे मैंने मैट्रिक्स में भी आपको बोला था, राइट, जब हम इनवर्स फाइंड आउट करते थे, एलिमेंट्री ऑपरेशन प्रॉपर्टीज में भी, जब भी आप सबट्रैक्ट करते हो जल्दबाजी में, प्लीज सिली मिस्टेक मत कर देना, माइनस प्लस थी बना दिया, टाइम वेस्ट होता और कुछ नहीं, लास्ट में आंसर नहीं आएगा, प्रूव वाला है तो आप डेफिनेटली उसको रीचेक करोगे, बट उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता. बेटर जब आप कर रहे तभी थोड़ा सा ध्यान और अच्छी तरह दे, ठीक है. तो यहाँ पे R1 माइनस R3 बेटा, तो माइनस है प्लस B, और इसको सबट्रैक्ट कर रहे तो B माइनस B थर्ड, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस C आ जाएगा, मतलब माइनस A प्लस C. क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे बेटा माइनस A प्लस C माइनस 3C, तो माइनस A माइनस 2C आ जाएगा बेटा. समझ में ही प्रोसेस. सिमिलरली 1 माइनस 1 मतलब ये भी जीरो, यहां से इसको सबट्रैक्ट कर रहे बेटा, तो 3B माइनस बी एफ होगा, मतलब टू बी आएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस सी हो जाएगा. क्लियर फंडा? सिमिलरली यहाँ पे बेटा माइनस बी तो एज इट इज रहेगा, बट यहाँ पे सी माइनस थ्री सी मतलब आ जाएगा माइनस टू सी. समझ में आया? और लास्ट वन जो है बेटा वन माइनस सी प्लस बी थ्री सी एज इट इज, और आगे ए प्लस बी प्लस सी एज इट इज. ओके, लास्ट स्टेप बेटा बचा अभी, ए प्लस बी प्लस सी तो आ गया, अब इसको ही हमें सिर्फ सॉल्व करते हैं, आंसर लाना है विथ रिस्पेक्ट टू सी वन, राइट. सो व्हाट इज दैट, ए प्लस बी प्लस सी जो हमें चाहिए था वो तो मिल रहा है यूज इन वन बेटा, राइट. तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा आप, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब राइट सी माइनस ए लिख रहा हूं, और उसका मल्टीप्लाई किसके साथ होगा बेटा, माइनस बी माइनस टू सी के साथ, राइट. और इनका मल्टीप्लाई माइनस 2b plus c, in bracket आएगा बेटा minus a minus 2c. Clear? Any confusion? Okay. So solve कर दो, आपका आंसर आ जाएगा a plus b plus c यहाँ पे as it is. Here बेटा minus bc minus 2c square, ठीक है, minus minus plus ab plus twice ac. Similarly here बेटा राइट डायरेक्ट माइनस थी साइन दे रहा हूं, माइनस माइनस प्लस टू ए बी, माइनस माइनस प्लस टू टू जा फोर बी सी बेटा, राइट. सिमिलरली माइनस माइनस प्लस ए सी, एंड यहां पे बेटा माइनस माइनस प्लस टू सी स्क्वायर. डन. नाउ सॉल्व इट आउट, व्हाट इज दैट बेटा, माइनस टू सी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर, दैट इट आउट. डन. और कुछ थॉट हो रहा है, ध्यान से देखो बेटा, राइट. यहाँ पे BC है, BC वाला टर्म ये रहा 4BC वाला, है ना, ये BC यहाँ पे है, और AB वाला ये रहा, तो यहाँ पर भी 3 आ गया, और AC वाले भी ये रहे, है ना बेटा, मतलब तीनों चीजें 3-3 में आ गई, A plus B plus C, ब्रैकेट में क्या आ गया बेटा, देखो यहाँ पे ध्यान से, 4BC minus BC मतलब 3BC प्लस ए बी प्लस टू ए बी मतलब 3AB, एंड 2AC प्लस AC मतलब 3AC. आ गए बेटा, वही तो वही जो हमें चाहिए था, थ्राइस मतलब 3 कॉमन निकाल लो, अगर आपको निकालना तो वही A प्लस B प्लस C, AB प्लस BC प्लस AC. डन. इजी बेटा.
Okay, please write down and try the next question. Continue with the next question, question number 14. कितना इजी है बेटा, सामने वन लाना है और यहाँ पे आप इजीली दी वन है, वन टू थ्री, मतलब दो को जीरो कर दो, आर टू एंड आर थ्री, जैसे हम बताओ एलिमेंट्री ऑपरेशन में वन यहाँ पे लाते फिर इन दोनों तो जीरो करते थे, राइट, डन इट, मींस आर टू चेंज फ्रॉम आर टू माइनस ट्वाइस ऑफ आर वन बेटा, एंड सिमिलरली आर थ्री चेंज फ्रॉम आर थ्री माइनस थ्राइस ऑफ आर वन, सो इजी, सो हियर व्हाट इज दैट, वन जीरो जीरो पहले लिख दे दो, ठीक है। अब यहां पे देखो R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1 मतलब मल्टीप्लाई बाय 2, तो 3 माइनस 2 मतलब यहां पे कितना आ जाएगा बेटा, पहले R1 लिख डालता हूं, 1 प्लस P एंड हियर इट इज अ 1 प्लस P प्लस Q, ठीक है। अब यहां पे 3 प्लस 2P है ना बेटा, माइनस ट्वाइस ऑफ R1, 3 माइनस 2 मतलब यहां पे आएगा 1 एंड 2P माइनस 2P, कट इट आउट बेटा। सिमिलरली यहां की बात करूं तो 4 माइनस 2 मतलब यहाँ पे आएगा 2, 3p minus 2p मतलब और p आएगा बेटा, और 2q minus 2q cut it out, done। Similarly बेटा r3 की बात करें तो ये तो 3 minus 3 0, यहाँ पे 6 minus 3 मतलब 3 आएगा, 3p minus 3p done, cut it out, 10 minus 3 that is 7, 6p minus 3p that is plus 3p and 3q minus 3q cut it out, done, इतना ही होगा बस। अब using c1 बेटा, C1 के हिसाब से आप क्या कर लो, सोल्व कर लो, 1 तो as it is बेटा, ये हट गया इन द मल्टीप्लाई, राइट, तो व्हाट इज दैट, 7 प्लस 3p माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 प्लस 3p, इफ यू ओपन द ब्रैकेट बेटा, 7 प्लस 3p माइनस 6 माइनस 3p, ये कट इट आउट एंड 7 माइनस 6 1, सो इजी क्वेश्चन है कि नहीं बेटा, जल्दी से लिखो एंड ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question, question number 15. Trigonometry याद है, sin cos, right? alpha beta gamma और alpha plus delta के हिसाब से, ठीक है, equal to क्या लाना बेटा, zero। I hope so सबने try किया होगा question, right? बहुत सारे question जो ऐसे होते हैं बेटा, जिसमें दो तीन method अलग अलग होती है, आप कौन सी method choose करते हो वो आपके logic पे depend करता है। बहुत सारे students ने यहाँ पर ऐसा भी किया होगा, right? तीस तो separate करते मतलब, right? या तीनों तो plus करते, multiply divide, राइट मेरे दिमाग में क्या आ रहा बेटा, जीरो है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब भी आंसर सामने जीरो लाना हो, वो वाली प्रॉपर्टी याद है मैंने ब्रैकेट में डाली थी कि आपको क्या करना है, कोई भी दो रो या कॉलम दो आइडेंटिकल मतलब सेम कर देना, राइट, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका आंसर जीरो आ जाएगा। और आपके सामने दिख ही रहा है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं है। कोस अल्फा बीटा गामा, ये रहा कोस अल्फा बीटा गामा, आपको सिर्फ ब्रैकेट ओपन करना है बस और कुछ नहीं, एक छोटी सी आइडेंटिटी अगर आप यूज करते हो बेटा, देखो ध्यान से, यहां पे बेटा cos अल्फा cos डेल्टा माइनस sin अल्फा sin डेल्टा बेटा, याद है आइडेंटिटी, ये तो पता ही होना चाहिए ना भाई, राइट, cos बीटा cos डेल्टा माइनस राइट sin बीटा sin डेल्टा, सिमिलरली बेटा cos गामा cos डेल्टा माइनस sin गामा sin डेल्टा, डन। अब ध्यान से देखो बेटा, बीच में गया माइनस तो स्प्लिट कर दो, वो वाली प्रॉपर्टी भी हमारे पास, जैसे आप इसको स्प्लिट करोगे यहां पे ये अकेला बच जाएगा और वहां पे थर्ड कॉलम में ये आ जाएगा, है ना, तो जैसे मैं स्प्लिट करता हूं देखो मैजिक होगा, बहुत इजी है बेटा, अभी तो बहुत सारे तो दिमाग में आइडिया भी आ गया होगा और माइंड भी सॉल्व भी कर लिया होगा अभी तक, तो है ना, बट एक चीज आपको मैं ध्यान रखना है बेटा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, राइट, यहां पे माइनस निशान इसलिए मैंने बाहर माइनस ले लिया है, प्लस माइनस जब भी आप स्प्लिट करते हो, मैंने प्रॉपर्टी के टाइम बताया था आपको बेटा, राइट, जब भी आप प्लस माइनस स्प्लिट करते हो कोई भी एक रो या कॉलम में ही होता है, राइट, अगर तीन जगह पे है तो तीनों में एक साथ मत करना बाय। एंड द लास्ट बचा बेटा यहाँ पे साइन अल्फा साइन डेल्टा वाला, सिर्फ लिखने में ज्यादा टाइम गया,
बाद इक्वेशन तो बहुत इजी है ना बेटा, डन। अब आपका आंसर आ ही गया, अब मैं सॉल्व नहीं करवाने वाला। अबे यार देखो यहाँ पे cos डेल्टा कॉमन निकल रहा है, बाहर निकालो, अल्फा बीटा गामा सेम आ रहा है, मतलब आइडेंटिकल, मतलब ये होता है जीरो। आप एक स्टेप लिखना पड़ेगा, मैं नहीं लिखूंगा, आपको लिखना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी बेटा साइन डेल्टा कॉमन, तो अल्फा बीटा गामा साइन के रिस्पेक्ट में ये रहा, तो वो भी हो गया जीरो। जीरो इंटू समथिंग करो जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो, एंड आपका आंसर आता है। राइट डाउन, कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, वो वही तो हमने जो पहले दिए थे वैसे ही बेटा, सिर्फ उन्होंने क्या दे दिया रेसिप्रोकल में, मतलब कोई बात नहीं, थोड़ी देर आप 1/x को क्या ले लो बेटा, a ले लो है ना, 1/y तो b ले लो, एंड 1/z तो आप क्या ले लो बेटा, c ले लो। सो व्हाट इज दैट, 2a + 3b + 10c = 4। सिमिलरली बेटा 4a - 6b + 5c = 1 बेटा, एंड द लास्ट वन 6a + 9b - 20c = 2। डन। अब बन गई इक्वेशन जैसे हम सॉल्व करते थे बेटा। पहले तो यहां पे मैं a पता ना बेटा, मैं ax = b के फॉर्म में हम लाते हैं, तो a मतलब क्या होगा यहां पे बेटा, 2, 4, 6 बेटा, 3 - 6 and 9, एंड हियर इट इज बेटा 10, 5 and -20। डन। ओके नाउ जो एक्स की वैल्यू होगी बेटा, राइट, दैट इज ए बी सी, पता है ना ए एक्स का मल्टीप्लाई तो 3 × 3, मतलब यहां पर 3 × 1 होना चाहिए, एंड जो लास्ट बी है, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने बहुत अच्छी तरह आपको दे दिया बेटा, रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। 4, 1 and 2, मतलब हमें क्या करना है, इसको उस तरफ ले जाना, मतलब ए इनवर्स इनटू में बी करना है, तब ज्यादा में एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। यहां से हम ऐसा भी लिख सकते हैं x = a inverse into b, तो a इनवर्स हम कैसे ला सकते हैं बेटा, सो इजी, राइट, हमारे पास फॉर्मूला है a इनवर्स का, क्या बेटा, 1/determinants of a into adjoint of a, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, determinants of a। अब आप ध्यान से देखो बेटा यहां पे, तो कोई भी रो या कॉलम के हिसाब से आप कर लो, ठीक है, बट यहां पे मैं ट्रिक भी देने वाला हूं, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकालो बेटा, सपोज मैं आर वन के हिसाब से निकालता हूं, तो 2 (-−+) 6 × 12 - 45। डन। सिमिलरली बेटा -3, यहां पे ये हट गया -80, एंड यहां पे आ जाएगा -30 एंड +10 के हिसाब से बेटा ये हट गया 4 × 9 = 36, यहां पे -36। डन। सो व्हाट इज दैट बेटा, 2 × 120 - 45 कितना होता है बेटा, करेक्ट, 75। तो डायरेक्ट कर दो बेटा 75 × 2 = 150। डन। अब यहां पे -, अब देखो प्लस हो जाएगा, 80 + 30 = 110 मतलब 330, ठीक है। और यहां पे 36 + 36 = 72 10 = 720, राइट, 20 + 30 = 50 + 50 = 100, एंड ये वाला मतलब टोटल आंसर आता है आपका 1200 बेटा। डन। Which is not equal to zero, मतलब yes, is our determinants possible, inverse possible है, clear? अब sorry, मैं आपको जो बताने वाला था, इसको easy solve करने के लिए, वो ये trick थी बेटा। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो 2, 4, 6, 2 common निकल रहा है कि नहीं, यहाँ से 3 common निकल रहा है, यहाँ से 5 common निकल रहा है, तो आप 2, 3 and 5 पहले कॉमन निकालो, तो अंदर इजी रहेगा, उससे बाद भी आप डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट कर सकते हो, तो भी यही आंसर रहेगा 1200। समझ में आया? तो आप वैसे भी कोई भी इजी ऐसा दिया हुआ है तो आप कॉमन निकालते, मतलब यहाँ पे तो चलो कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी नहीं हुई, बट बहुत सारी ऐसी बड़ी हो और यहाँ पे कॉमन निकल रहा है तो निकालना चाहिए, क्लियर। अब हम फाइंड आउट करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास मैट्रिक्स है, तो उसके लिए हमें सारे एलिमेंट चाहिए होंगे बेटा, ठीक है। तो शुरू करते a11 से, मतलब इसके हिसाब से, तो कितना आएगा बेटा, ये तो हमारे पास है 11 के हिसाब से,
120 माइनस 45 मतलब डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा 75, 1 प्लस 1 2 साइन चेंज नहीं होगी, ठीक है बेटा। ए 12 कितना था, माइनस 80 माइनस 30 मतलब माइनस 110, बट यहां पे दिया 1 प्लस 2 3 मतलब साइन चेंज हो जाएगी, ठीक है। एंड द लास्ट 36 प्लस 36 मतलब ए 13 होगा हमारे पास 72, साइन चेंज नहीं होगी, राइट। कंटिन्यू नेक्स्ट विद द सेवंथ रो बेटा, मतलब ए 21, व्हाट इज दैट बेटा, ए 21 राइट, ये हट जाएगा माइनस 60 राइट, और यहां पे कितना होगा बेटा माइनस 90, माइनस 60 माइनस 90, बट 21 है बेटा मतलब साइन चेंज होती, मतलब माइनस 150 की जगह कितना आ जाएगा बेटा प्लस 150, ठीक है, यहीं पे लिख दूं प्लस 150, डन, ओके। नेक्स्ट बेटा ए 22, ओके, इस पे हिसाब से बेटा ये और ये हट गया माइनस 40 माइनस 60 मतलब माइनस 100, साइन चेंज नहीं होगी बेटा, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते ए क्या था बेटा 23, देन ए 31, ए 32 एंड ए 33, यहां तो हमें तोड़ना है ना, तो 23 के हिसाब से देखा जाए बेटा, इस के हिसाब से ये और ये हट गया 9 2 18 माइनस 18 मतलब ये आ गया 0, साइन चेंज करो ना करो कुछ फर्क नहीं पड़ता, इस के हिसाब से देखे बेटा तो 5 3 15 माइनस माइनस प्लस 60 मतलब 15 प्लस 60 मतलब हो गया बेटा 75, ठीक है, साइन चेंज हो गई नहीं, बिकॉज 3 प्लस 1 4 होता है, 3 2 के हिसाब से मतलब इस के हिसाब से 5 2 10 माइनस 40 मतलब माइनस 30, बट प्लस की साइन, बिकॉज 3 प्लस 2 5 मतलब साइन चेंज हो गए, ठीक है। लास्ट वन बेटा 33, 6 2 12 माइनस 12 माइनस 12 मतलब माइनस 24, साइन चेंज नहीं हो गई, क्लियर मिल रहा है बेटा। अब क्या करना है, हमें आंसर लाना है हमारा ए इनवर्स, अभी थोड़ी सी स्पेस कम है बेटा तो यहां पे लिख दो चलेगा, इस समय इरेज कर रहा हूं, ठीक है, तो आप अच्छी तरह तो दिखे वरना। अब हमें लास्ट में तो पता है क्या करना बेटा, ए इनवर्स इनटू बी करना है, वो हमारे पास वैल्यू है, ठीक है, तो यहां पे मैं इरेज कर देता हूं, ओके। तो व्हाट इज दैट बेटा, राइट, अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, ए इनवर्स इनटू बी, ठीक है, ए इनवर्स इनटू बी, तो ए इनवर्स हमें क्या मिला बेटा 1/1200 आया था बेटा, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए राइट इनटू उसके साथ क्या आएगा एडजॉइंट बेटा, ऐसा लिखा जाता है 75 110, देन बेटा 72 सिमिलरली 21 बेटा कितना आ रहा है 150, देन माइनस 100 एंड 823 हमारे पास 0, लास्ट में बेटा 75 राइट 30 एंड यहां पे माइनस 24, डन बेटा। इसका मल्टीप्लाई किसके साथ होगा बेटा, बी के साथ, बी कितना है 412, पहले इतना लिख लेता हूं, ठीक है, डन, सो इजी, यहां तक किसी को डाउट। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, पूरा हटा दे रहा हूं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, हाँ आपको तो लिखना हो तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करते आप प्लीज देख लेना, ठीक है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, ओके। तो बैक टू द पॉइंट, राइट, अब हमें क्या करना बेटा, मल्टीप्लाई इन दोनों का राइट, और जो आंसर आया उसको 1200 के साथ डिवाइड कर देंगे, राइट, सो 1/1200, ये तो पता है बेटा, यहाँ पे 3 × 3, यहाँ पे क्या बेटा 3 × 1, 3 से मतलब आंसर आएगा 3 × 1 के फॉर्म में, ठीक है, मतलब 3 रो 1 कॉलम, तो 75 4 से बेटा कितना होता है 300 प्लस 151 जा 150, 72 टू जा 75 टू जा मतलब वो भी होता 150, क्या बात है, इजी कैलकुलेशन है ना बेटा, 110 into 4 मतलब 440, ओके, यहाँ पे होगा माइनस 100 और यहाँ पे होगा प्लस 60, एंड जो लास्ट है बेटा, ठीक है, क्या होगा 72 4 जा कितना होगा बेटा 288 राइट, यहाँ पे 01 जा 0 और माइनस 24 2 जा कितना होगा बेटा माइनस 48, सॉरी वहां पे थे हम बेटा,
सो 150 प्लस 150 300 प्लस 300 मतलब यहां पे आ गया बेटा राइट 600 बेटा राइट यहां पे 450 प्लस 60 बेटा 500 माइनस 100 मतलब यहां पे आ गया 400 288 माइनस 48 मतलब यहां पे आ गया बेटा 240 ठीक है 1200 के साथ डिवाइड में डाल दो बेटा तो 600 बाय 1200 मतलब यहां पे आ गया 1/2 राइट यहां पे आ गया 1/3 एंड 240 मतलब यहां पे आ गया 1/5 डन बेटा तो ये किससे इक्वल टू आएगा बेटा ए बी एंड सी और ए बी सी किससे इक्वल है वो भी मैं बता बेटा 1/x 1/y एंड 1/z तो आप डायरेक्टली सामने सामने इक्वल करो बेटा सो व्हाट इज दैट द वैल्यू ऑफ x is equal to 2 मिल रहा है बेटा y के सामने क्या मिल रहा है 3 and z is equal to 5 done so easy question बेटा right थोड़ा सा लेंथी था बस और कुछ नहीं प्लीज जल्दी से लिखो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चंस बेटा क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 राइट बेटा चेक इट आउट 17 इफ ए बी सी आर इन एपी एंड वी नो इट बेटा Right, three. If three terms are in AP, that means right twice of B equal to A plus C. Done. और इसको हमें इसका determinant find out करना. Question समझ में आया? Logic चलाओ क्या चला सकते हो बेटा? Right, यहाँ पे देखो क्या 2A, 2C, 2B. मतलब तीनों equal है. 3, 4, 5 AP में है. ये भी 2, 3, 4 AP में. Right, तो बहुत easy हो गया बेटा. जो मिडिल टर्म है राइट उसके हिसाब से फर्स्ट एंड थर्ड टर्म होगा राइट तो अगर मुझे इसका रिलेशन चाहिए बेटा राइट 2b और 2a और 2c के टर्म में बेटा राइट तो अगर मैं सपोजन इन दोनों का प्लस करता हूं तो 2a प्लस 2c मिलेगा बट सामने मुझे क्या चाहिए 4b चाहिए बेटा बिकॉज 2b इक्वल टू a प्लस c तो 4b इक्वल टू क्या होगा 2a प्लस 2c मतलब उस वक्त 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा समझ में आया लॉजिक राइट या फिर इन दोनों का जो मैं प्लस कर रहा हूं उसको हाफ कर दूंगा तो भी चलेगा बेटा मतलब मैं आर टू तो चेंज कर रहा हूं बेटा आर टू माइनस ब्रैकेट में बेटा आर वन प्लस आर थ्री और आगे मैं हाफ ले लेता हूं ठीक है समझ में आई बात बेटा इन दोनों का प्लस डिवाइडेड बाय टू सॉरी तो एपी का रेशियो में मिल जाएगा बेटा समझ में आई चीज तो अब चलो सॉल्व करो उससे आपसे व्हाट इज दैट x plus 2 x plus 4 मतलब 2x plus 6 बेटा राइट 2x plus 6 माइनस क्या होगा बेटा 2x plus सॉरी x plus 3 यहां पे r2 और यहां पे हाफ ऑफ 2x plus 6 समझ में आया बेटा एनी कंफ्यूजन सिमिलरली बेटा यहां पे इन दोनों का प्लस राइट तो मतलब x प्लस 4 क्या होगा माइनस हाफ ऑफ 2x प्लस 8 बेटा इन दोनों का प्लस सिमिलरली यहां पे क्या होगा बेटा x प्लस 2b राइट माइनस हाफ ऑफ इन दोनों का प्लस मतलब 2x प्लस 2a प्लस 2c सिर्फ r2 को हमने चेंज किया बेटा r1 एज इट इज ठीक है वो लिख नहीं रहा हूं मैं अभी समझाने के लिए सिर्फ सो व्हाट इज दैट 2x plus 6 बेटा 2 कॉमन निकालो 2 2 कट x plus 3 बचेगा यहां पर भी x plus 3 राइट मतलब आंसर कितना आ जाएगा बेटा r2 में 0 आ जाएगा सिमिलरली यहां पे बेटा 2 कॉमन x plus 4 राइट x plus 4 कट तो ये भी कितना आ गया 0 आ गया ये वाला देखो बेटा लास्ट वन x plus 2b माइनस हाफ अंदर दे दो बेटा व्हाट इज दैट माइनस x माइनस a माइनस c मतलब ये कट इट आउट 2b minus a minus c बेटा देखो यहाँ पे 2b equal to क्या है a plus c तो 2b की जगह मैं a plus c रख सकता हूँ a plus c minus a minus c 30 मतलब वो भी क्या हो गया 0 row 1 and row 3 as it is तो देखो r2 जैसा मिल रहा है 0 और हमें पता है बेटा कोई भी तो determinant 0 होगा अगर उसकी row या column पूरी की पूरी 0 हो जाए मतलब इसका आंसर आ जाएगा 0 options a is the correct answer clear Move to the next beta question number 18. inverse of matrix. इस समय inverse find out करना तो सबसे पहले हम क्या find out करना पड़ेगा? हमें inverse का formula तो पता ही बेटा.
A inverse equal to 1 by determinants of A into adjoint of A. तो सबसे पहले हम determinants of A निकालेंगे बेटा. What is that determinants of A? एक्स के रिस्पेक्ट में मतलब क्या आया था बेटा, वाई जेड माइनस जीरो मतलब क्या आया था, एक्स वाई जेड विच इज नॉट इक्वल टू जीरो मतलब हम कर सकते हैं. तो चलो अब एडजॉइन ऑफ ए निकालते हैं बेटा, ठीक है. सॉरी ए वन वन बेटा वाई जेड माइनस जीरो मतलब वाई जेड मिलेगा. यहां पे देखो ए वन टू जीरो, सिमिलरली ए वन थ्री भी जीरो, राइट. ये तो मैं सॉल्व करो आप तो पता चले, अदरवाइज बेटा अगर कोई भी मैट्रिक्स अदर वर्ड सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स हो राइट और बाकी एलिमेंट जीरो हो बेटा तो अगर उसे आप एडजॉइंट भी निकालोगे तो वो भी डायगोनल ही आएगा. चेक करो बेटा राइट इस तरीके तो भी दिया है बेटा जीरो. देखो ए टू टू इसमें मिलेगा एक्स जेड माइनस जीरो मिला ना बेटा. सिमिलरली ए टू थ्री इस तरीके में वो भी जीरो आएगा है ना. सिमिलरली बेटा ए थ्री वन इस रिस्पेक्ट में वो भी क्या आया जीरो. ए थ्री टू ट्राई कर लो वो भी जीरो आएगा है ना. एंड द लास्ट ए थ्री थ्री एक्स वाई माइनस जीरो मतलब एक्स वाई. एनी कंफ्यूजन मतलब सारी चीजें मिल रही तो एडजॉइन ऑफ ए क्या मिलेगा बेटा इज इक्वल टू ए वन वन मतलब वाई जेड जीरो जीरो यहां पे बेटा ए टू वन वाले में ये जीरो यहां पे एक्स जेड जीरो एंड लास्ट वाले में बेटा ए थ्री वन राइट लास्ट में आएगा एक्स वाई. समझ में आया बेटा एनी कंफ्यूजन. ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री राइट सिमिलरली ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू एंड ए थ्री थ्री डन. तो ये मिल गया तो एडजॉइंट ऑफ ए राइट. तो फाइनल ए इनवर्स क्या मिलेगा बेटा वन अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए मतलब ए इनवर्स इज इक्वल टू वन अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए. ये होता है ना बेटा फॉर्मूला. तो पुट करो वन अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए मतलब वन अपॉन एक्स वाई जेड बेटा डिटरमिनेंट्स ऑफ ए है ना इनटू क्या होगा वाई जेड जीरो 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 एक्स जेड जीरो 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 एक्स वाई. ठीक है बेटा एक्स वाई जेड अंदर दे दो मतलब यहां पे दिया जाएगा वन अपॉन एक्स यहां पे दिया जाएगा वन अपॉन वाई और यहां पे दिया जाएगा वन अपॉन जेड है ना. यहां पे मैट्रिक्स डाला हुआ है ठीक है. तो योर फाइनल आंसर इज वन अपॉन एक्स जीरो 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 वन अपॉन वाई जीरो 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 एंड वन अपॉन जेड. दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है एनी कंफ्यूजन बेटा. सो इजी राइट. वन अपॉन एक्स मतलब एक्स इनवर्स वाई इनवर्स जेड इनवर्स उस हिसाब से ऑप्शंस दिया हुआ है राइट. तो ये थे दोनों क्वेश्चन 17 एंड 18. प्लीज राइट डाउन और ट्राई करो नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज बट नॉट फिनिश येट बिकॉज आफ्टर दिस राइट हमें थोड़े बहुत एग्जाम्पल करने जो थोड़े से लॉजिकल वाले हैं. इससे पहले वाले लेक्चर में भी हमने थोड़े बहुत एग्जांपल बीच में मैंने डाल दिए थे बेटा एज अ प्रैक्टिस के रूप में. तो यहां पर भी हम इससे बाद हम वो कर लेंगे मतलब पूरा चैप्टर आपका परफेक्टली हो जाए फ्रॉम एनसीईआरटी. ठीक है तो शुरू करते बेटा इस क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 19 आप तो मैट्रिक्स एक दिवन है थीटा की रेंज दिवन है उसे डिटरमिनेंट्स की वैल्यू कहां पे आ सकती है वो हमें फाइंड आउट करना है मतलब इन शॉर्ट डिटरमिनेंट्स ऑफ ए फाइंड आउट करना है. सो इजी राइट आर वन के हिसाब से मैं कर रहा हूं बेटा. ठीक है सो व्हाट इज दैट वन इन ब्रैकेट वन वन जा वन माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा बेटा. ठीक है उसके बाद माइनस साइन थीटा के हिसाब से क्या आएगा बेटा माइनस साइन थीटा. तो ये और ये हट जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा राइट एंड वन के हिसाब से बेटा ये हट जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा राइट माइनस माइनस प्लस वन. ठीक है माइनस साइन प्लस साइन मतलब ये हो गया जीरो जीरो इंटू समथिंग मतलब ये जीरो हट गया
मतलब यहाँ पे है बेटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और वहां पर भी क्या आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 है तो नहीं, मतलब सो इज बेटा 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज योर डिटरमिनेंट्स ए। अब रेंज के हिसाब से सॉल्व कर लेना, बहुत इजी है बेटा। साइन स्क्वायर थीटा की रेंज बोलो, है ना, याद है ना सब तो भाई, ओ 3 0 से 1 पता है ना, साइन की माइनस 1 टू 1 स्क्वायर करोगे 0 से 1, ऑलरेडी हमने बहुत तो लिया इससे रिगार्डिंग, क्या चाहिए उसके साथ में बेटा 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो बोथ द साइड, सो 2 sin स्क्वायर थीटा, और यहां पर भी आ गया 2, और क्या चाहिए प्लस 2, राइट, तो प्लस 2 मतलब यहां पे 2 आ जाएगा, और यहां पर 2 प्लस 2 4, मतलब 2.4 क्लोज ब्रैकेट, दैट इज योर आंसर, ये रहा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, गॉट इट, सो इजी बेटा, जल्दी से लिखो फिर हम एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट वन बेटा एग्जांपल 30 एंड एग्जांपल 31, राइट, एग्जांपल 30 बेटा ABC are positive and unequal and we have to prove that that is equal to negative, मतलब इसका जो आंसर आएगा determinants वो negative होगा, वो हमें prove करना है, ठीक है, तो जिसका भी doubt है please देखो बेटा, it's so easy question, आप तो दिख रहा है ABC 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 same ही है बेटा, ऐसे plus कर लो या ऐसे plus कर लो, it's up to your choice, right, दोनों में same ही answer है, मतलब अगर मैं change कर रहा हूँ तो R1 change from R1 plus R2 plus R3, so what I get बेटा यहाँ पे a plus b plus c, similarly a plus b plus c and here it is also बेटा a plus b plus c, right, यहाँ पे b c c a a and b as it is, a plus b plus c common बेटा, right, तो what you get here it is बेटा 1 b c, right, 1 c a 1 a b, जैसा हम सॉल्व करते थे वैसे बेटा एक साथ दो तो हम जीरो कन्वर्ट में कर देंगे बेटा, मतलब R1 चेंज फ्रॉम R1 माइनस R3 बेटा, एंड सिमिलरली R2 चेंज फ्रॉम R2 माइनस R3, दोनों एक साथ कर सकते हो बेटा, सॉरी यहां पे मुझे कॉलम लेना पड़ेगा, ठीक है, और यहां पर भी C, ठीक है, मतलब C1 minus C3 0 and C2 minus C3 भी 0, मतलब ये दो टर्म हमारे लिए 0 हो जाएंगे मतलब, so what I get बेटा A plus B plus C as it is, और नीचे मल्टीप्लाई में बेटा ये हो गया 0, 1 minus, यहां पे आ जाएगा B minus A, यहां पे आ जाएगा बेटा C minus B, similarly ये वाला भी 0, यहां पे आ जाएगा C minus A, यहां पे आ जाएगा A minus B, ठीक है, नहीं कंफ्यूजन बेटा, और जो लास्ट है दैट इज 1 a एंड b एज इट इज डन, सो अकॉर्डिंग टू द r1 मैं उसको स्प्लिट करूंगा बेटा, सो व्हाट आई गेट हियर इट इज a plus b plus c अकॉर्डिंग टू द 1 मतलब r1 बेटा, इस हिसाब से मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, हट जाएगा मतलब ब्रैकेट में दिया जाएगा बेटा b minus a into a minus b, ठीक है, माइनस क्या होगा बेटा इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब c माइनस ए इंटू सी माइनस बी, राइट, सो इजी बेटा, अब आप ब्रैकेट ओपन करो, व्हाट इज दैट बेटा, यहां पे आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी वाला एज इट इज, यहां पे लंबा थोड़ा सा होगा, ज्यादा नहीं होगा बेटा b a, या फिर डायरेक्ट में माइनस कॉमन निकाल लो a माइनस बी तो होल स्क्वायर आ जाएगा बेटा, राइट, या कोई बात नहीं मैं ऐसे मल्टीप्लाई कर सकता हूं ना, दोनों आप जैसा बोलो प्लस ए बी, सिमिलरली यहां पे बेटा माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी सी माइनस माइनस प्लस ए सी माइनस माइनस प्लस माइनस ए बी, ठीक है बेटा, सो व्हाट इज दैट एट ऑल फाइनली बेटा, राइट, आप देख सकते हो तीनों नेगेटिव टर्म में आए, मतलब a plus b plus c here in the bracket beta minus a square minus b square minus c square, ठीक है, a b a b कट हो गया बेटा, तो भी एक a b बचेगा एक b c और इधर c, मतलब plus a b plus b c plus c a, ठीक है, इस तरह ऐसा बेटा ऑलरेडी हमने क्वेश्चन किया हुआ है, अगर आपको याद हो तो ऐसा ही आया था, फिर हमने क्या किया था बेटा यहाँ पे 2 था वो ट्वाइस हमने अंदर मल्टीप्लाई किया था बिकॉज उससे आइडेंटिटी बनती है,
राइट, तो हमें ऐसे करना पड़ेगा, तो पहले माइनस कॉमन निकालो, टू के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, राइट। सो व्हाट यू गेट बेटा, माइनस हाफ, ठीक है, मतलब टू के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया एंड डिवाइड किया, राइट, एंड माइनस यहां से बाहर निकाला, बिकॉज यहां में प्लस है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे हमें मिला बेटा ए प्लस बी प्लस सी, और अंदर ब्रैकेट में बेटा टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, डन। तो ये आइडेंटिटी बन गई, याद है ना मैंने करवाया था, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे बी प्लस सी होल स्क्वायर, सी प्लस ए होल स्क्वायर, वैसे मिल जाएगा, मतलब हमें फाइनल आंसर मिला बेटा। अब मैं इसको ऊपर लिख लेता हूं, ठीक है, सो व्हाट इज दैट बेटा, माइनस हाफ इन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी, राइट, हियर यू दैट बेटा, दैट इज ए प्लस, सॉरी माइनस माइनस आएगा, बिकॉज यहां पे माइनस कॉमन निकाला है ना बेटा हमने, तो यहां पे आ जाएगा माइनस माइनस माइनस, ठीक है, मतलब आता है बेटा ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, यहाँ पे होल स्क्वायर है, और हमें पता कोई कोई भी नंबर हो बेटा, तो हम उसका स्क्वायर करेंगे, ऑलवेज क्या आया था, पॉजिटिव या तो जीरो, अगर दोनों इक्वल है तो, बट क्वेश्चन में दिया एबीसी आर पॉजिटिव एंड अनइक्वल, अनइक्वल मतलब इसका आंसर जीरो नहीं आएगा, इट मींस डेफिनेटली बेटा ये तीनों का आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव, बिकॉज होल स्क्वायर है, तीनों का इंडिविजुअली, मतलब ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब ए प्लस बी प्लस सी तीनों पॉजिटिव है बेटा, तीन पॉजिटिव टर्म था प्लस करेंगे वो भी कैसा आया था, पॉजिटिव, मतलब माइनस जो हाफ है बेटा वो नेगेटिव है, इसका आंसर आया पॉजिटिव, और इसका भी आंसर आया पॉजिटिव, मतलब फाइनल योर आंसर इज नेगेटिव, यही प्रूव करना था, समझ में आया बेटा, इट्स सो इजी, ठीक है। एग्जांपल 31 अभी हमने प्रीवियसली अभी जस्ट हमने क्वेश्चन किया वैसे बेटा एबीसी आर इन एपी, देखो ए प्लस बी प्लस सी, मतलब जैसा मैंने आपको सीखा था वैसे दर्श सकते हो, राइट, R2 change from minus half of R1 plus R3, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो बेटा कि R1 change from R1 तो हिसाब से रिश्ता प्लस करते ट्वाइस करते इसका माइनस कर दो R2 का, तो वैसा भी आप कर सकते हो, मतलब बोध वे आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल 31 था, ये 30 पहले लिख लो फिर दूसरे एग्जाम्पल करवा रहा हूं। एग्जाम्पल 32 बेटा, राइट, जो बहुत सारे बच्चों के डाउट्स थे इसलिए मैंने दे दिया y plus z होल स्क्वायर, ओके, ये वाला हमें लाना है, राइट, दिमाग चलाना है और कुछ नहीं है। अब आप ध्यान से देखो बेटा, तो पहला स्टेप तो x y जो है बेटा हम उसको पहले सिंपली कर लेते हैं, ठीक है ना, तो x एंड y कॉमन निकल सकते हो निकाल लो बेटा, मतलब c1 में से यहां से x ले लो, यहां से y ले लो, और यहां से z ले लो बेटा बाहर, ठीक है, व्हाट इज दैट बेटा, तो एक्स वाई जेड इन ब्रेथ है, यहां से मैंने एक्स ले लिया मतलब वाई प्लस जेड होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक है बेटा, और यहां पे बचा वाई, यहां पे बचा जेड, टेंशन मत लो, ये जो नीचे आया एक्स वापस हट जाएगा, ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया हुआ है, तो यहां से हमने वाई ले लिया मतलब यहां पे बचा एक्स, यहां पे एक्स प्लस जेड होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई, और यहां पे बचा जेड, सिमिलरली बेटा यहां से जेड हटा दिया तो यहां पे बचा एक्स, राइट, यहां पे बचा वाई, और यहां पे बचा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड, ठीक है। अभी एक्स वाई जेड तो वापस दे दो, राइट, यहां तो इसके साथ मल्टीप्लाई करो एक्स था, इसके साथ मल्टीप्लाई करो वाई था, और इसके साथ मल्टीप्लाई करो जेड था, ये वाला पता है डिटरमिनेंट्स में तो भी एक रो या कॉलम के साथ ही मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, तो अगर मैं इसके साथ दे दूं तो यहां पे देखो होल स्क्वायर आ जाएगा, वही हमें चाहिए था, क्यों, क्योंकि यहां पे वाई प्लस ये तीनों जो थे डायगोनल में बेटा, राइट एलिमेंट, वो तीनों स्क्वायर में थे इसलिए मैं स्क्वायर में लाना था, इसलिए ये इतनी सारी हमने दुर्गा मजूरी थी, ठीक है। सो व्हाट इज दैट हियर बेटा, राइट, दैट इज वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, एक्स को हट गए, एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे, यहां पे आ गया एक्स स्क्वायर, यहां पर भी आ गया एक्स स्क्वायर, यहां पे आ गया वाई स्क्वायर, यहां पे आ गया एक्स प्लस जेड स्क्वायर, यहां पे आ गया वाई स्क्वायर, यहां पे z स्क्वायर, और यहां पे आ रहा है बेटा x प्लस y स्क्वायर, ठीक है। बस अब हमें स्क्वायर का टर्म में, अब हम कोई भी करते जीरो ला सकते हैं, नहीं बेटा, तो कितने बाजू बाजू में, मतलब ये है दो, राइट, इस तो जीरो ला सकते हैं,
फिर यहाँ दोनों में से या इन दोनों में से, तीसरी तीन में से एक पेयर, दो पेयर तो हम जीरो ला सकते हैं एट अ टाइम। और अगर हम एक साथ दो स्टेप करना चाहे बेटा राइट, तो हम कर सकते हैं। मतलब सपोज मैंने यहां तो इसको जीरो लाया बेटा, सी टू चेंज फ्रॉम सी टू माइनस सी वन राइट, जीरो मतलब सी वन के रिस्पेक्ट में, तो इसको भी मैं जीरो ला सकता हूँ वाई स्क्वायर। तो मतलब सी थ्री चेंज फ्रॉम सी थ्री माइनस सी वन, मतलब वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये भी कितना हो जाएगा जीरो। मतलब C1 तो मैं चेंज नहीं कर रहा हूं बेटा, मतलब y plus z whole square, y square and z square as it is, ठीक है बेटा। चेंज तो कर रहा हूं C2 minus C1, मतलब इसमें से इसको, मतलब यहां पे आ जाएगा x square minus y plus z square बेटा, ठीक है। यहां माइनस ये मतलब x plus z square minus y square, z square minus z square, ये तो हमें चाहिए था वही तो हमने लिया जीरो, ठीक है। सिमिलरली c3 minus c1 मतलब x square minus in bracket y plus z whole square बेटा। सिमिलरली y square minus y square मतलब यहाँ पे जीरो, और इससे माइनस ये मतलब x plus y whole square minus z square, डन। अब दो जीरो हमने जो चाहिए थे वो मिल गए। और एक चीज आप नोट डाउन करो बेटा, यहाँ पे देखो निकल रहा है कॉमन क्या जो हमें चाहिए था x plus y plus z, ये क्या है बेटा a square minus b square, मतलब a plus b minus b, plus तो रहता था x plus y plus z आएगा, यहाँ पर भी x plus y plus z a square minus b square, same process, मतलब हमें x plus y plus z दो बार मिला, ये यहाँ से c2 से और ये c3 से, c2 में से भी मिला and c3 से में, मतलब बाहर बेटा x plus y plus z का whole square मिल गया दो बार, दो बार मतलब square होता है। इसमें कोई चेंजेस नहीं बेटा, y plus z होल स्क्वायर, यहाँ पे y स्क्वायर, यहाँ पे z स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा बेटा देखो, x प्लस वाला हट गया, मतलब a माइनस b बचेगा, a माइनस b, b मतलब माइनस y माइनस z बेटा। सिमिलरली यहाँ से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b बाहर निकल गया, तो a माइनस b बचेगा, मतलब x प्लस z माइनस y बचेगा, यहाँ पे तो जीरो एज इट इज c2। वैसे c3 बेटा क्या मिलेगा यहाँ पे आप, तो x माइनस y माइनस z बचेगा जीरो एज इट इज, और यहाँ पे बचेगा बेटा x प्लस y माइनस z, बिकॉज a प्लस b हमने बाहर निकाल लिया है, डन। सो इजी बेटा राइट। अब देखो ये यहाँ पे कोई टेंशन नहीं, ये स्क्वायर वाले बच रहे, ये काम कर सकते, इसको भी हटा सकते बेटा, y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2yz, और y स्क्वायर z स्क्वायर कर दो माइनस, मतलब व्हाट इज दैट बेटा, कि मैं R1 तो चेंज कर रहा हूं, R1 माइनस R2 माइनस R3, समझ में, R1 तो चेंज कर रहा हूं, R1 माइनस R2 माइनस R3, तो y स्क्वायर एंड z स्क्वायर कट हो जाएगा बेटा, समझ में आया फंडा। सो व्हाट यू गेट, लिमिटेशन है ना, नीचे भी बोर्ड थी है ना, तो यहां तक लिख सकते हैं, बड़ा बड़ा लिखा है इसलिए थोड़े से स्टेप में। तो यहाँ पे ये x plus y plus z whole square वो तो as it is बाहर बेटा, ठीक है। तो यहाँ से बेटा क्या बचेगा, 2yz बचेगा सिर्फ, ठीक है, because ये y square और z square कट हो गए। यहाँ की बात करें तो बेटा r1 x minus y minus z minus r2 minus r3, इसलिए जीरो तक ये माइनस है बेटा, मतलब minus x minus z plus y, क्या कट हो रहा है, x minus x y minus y, मतलब यहाँ पे बचा है माइनस टू जेड, क्लियर। सिमिलरली इसके साथ रिलेशन में मतलब एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ये बेटा आर वन है, ठीक है। माइनस आर टू को क्या जीरो, उसका कोई टेंशन नहीं। माइनस आर थ्री मतलब ये वाला, तो माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड, तो ये कट इट आउट, ये कट इट आउट, मतलब यू गेट माइनस टू वाई। नीचे वाला बेटा वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स प्लस जेड माइनस वाई जीरो, जीरो x plus y minus z as it is, तो ये चिंता की बात नहीं है यहां तक। अब क्या करेंगे, जितना सिंप्लीफाई हमारे से हो सकता था उतना कर लिया, हाँ अभी भी हो सकता है, जितना आप यूज करना चाहो लॉजिक उतना हो सकता है, तो ये टेंशन नहीं है, बट राइट इतना तो यूज कर लिया, चलो नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। फिर भी अगर आपको यूज करना है तो मैं ट्रिक बता सकता हूं, इस तो दोनों का जीरो कर सकते, देखो बेटा माइनस टू जेड है, y के साथ इसका मल्टीप्लाई करते, मतलब c2 चेंज फ्रॉम राइट c2 माइनस मतलब प्लस
वन बाय वाई ऑफ सी वन, वैसे मतलब इस तो भी और इस तो भी इसके साथ रिलेशन में जीरो ला सकते हो, तो बहुत बड़ा हो रहा है। इससे अच्छा चलो यहां से सिंप्लीफाई कर ले तो भी चलेगा, अब इसकी कोई जरूरत नहीं तो मैं उसको इरेज कर देता हूं बेटा, ठीक है। क्वेश्चन की कोई जरूरत नहीं बिकॉज हमें आंसर ही चाहिए, है ना, ये वाला चाहिए। चलो आप रिवाइंड करके बाद में क्वेश्चन तो लिख लेना बेटा अच्छी तरह। ये वाला आंसर चाहिए इसलिए मैंने उसको रख दिया एज इट इज। ओके ये वाला चाहिए, ठीक है। तो कोई भी एक हिसाब से एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर तो मिल गया है हमें, ठीक है। चलो मैं यहां पे ये जीरो वाला टर्म है बेटा इस हिसाब से मैं सोल्व कर रहा हूं, मतलब आर थ्री के हिसाब से मैं सोल्व कर रहा हूं। तो पहले जेड स्क्वायर एज इट इज, राइट, जेड स्क्वायर तो ब्रैकेट में क्या आएगा बेटा वो देख लो, ये जीरो हो जाएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस माइनस प्लस टू वाई इन ब्रैकेट एक्स प्लस जेड माइनस वाई। समझ में आया बेटा, जेड स्क्वायर के हिसाब से मतलब इनका जीरो और ये माइनस माइनस प्लस टू वाई और ये वाला जेड एक्स प्लस जेड माइनस वाई। अब ये वाला जीरो तो उसका कोई इंपोर्टेंस नहीं इसके हिसाब से एक्स प्लस वाई माइनस जेड के हिसाब से, ठीक है। थ्री कोमा थ्री मतलब प्लस ये कोई टेंशन नहीं, एक्स प्लस वाई माइनस जेड तो उसके साथ ब्रैकेट में क्या आएगा ये और ये हट गए, राइट, टू वाई जेड इंटू क्या आएगा बेटा एक्स प्लस जेड माइनस वाई और यहां पे माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा बेटा टू वाई स्क्वायर जेड। इतनी चीजें हमें मिल गई, समझ में आया फंडा, कोई इश्यू बेटा? ओके अब देखो ध्यान से ओके बहुत इजी बेटा, टू वाई जेड देखो यहां पर भी टू वाई जेड है, बाहर निकाल लो यहां पे बाहर आ जाएगा और यहां से भी टू वाई जेड आ रहा है। और हाँ ये वाला इसके लिए सिर्फ ये वाला अलग है, प्लीज दोनों को कंफ्यूज मत कर देना, मतलब यहां से भी और वहां से भी 2yz कॉमन निकल रहा है बेटा, बाहर निकाल दो 2yz आपके लिए कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। मतलब यहां पे बचा z और ब्रैकेट में x plus z minus y प्लस यहां पे क्या बचा x plus y minus z as it is 2yz 2y and z हट गया, मतलब यहां पे बचेगा x plus z minus y ओके और यहां पे बचा बेटा प्लस y सिर्फ है कि नहीं बिकॉज टू वाई जेड कॉमन निकल गया, एनी कंफ्यूजन? ओके सो टू वाई जेड ये वाला तो है एज इट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर भले रहा साइड में, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, यहां पे देखो माइनस वाई प्लस वाई कट इट आउट हो गया तो ब्रैकेट ओपन करो व्हाट यू गेट बेटा जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड वाई, यहां पर क्या बचा बेटा एक्स प्लस वाई माइनस जेड इंटू एक्स प्लस जेड तो वन बाय वन मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स जेड, ठीक है जेड के साथ तो प्लस जेड एक्स प्लस जेड वाई माइनस जेड स्क्वायर डन। चलो कितना कट हो रहा है बेटा जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर कट इट आउट और क्या कुछ ये रहा जेड वाई माइनस जेड वाई देन और कुछ बेटा ये रहा जेड एक्स माइनस जेड एक्स कट इट आउट क्या बचा ओए बहुत कम हो गए बेटा ये तो 2yz और यहां पे ब्रैकेट में बचा बेटा zx plus x square plus xy सिर्फ इतनी चीजें बची, मतलब x यहां से कॉमन निकाल लो है कि नहीं x अगर मैं कॉमन निकालता हूं व्हाट इज दैट तो बाहर आ जाएगा 2xyz और यहां पे आ जाएगा z plus x plus y आंसर आ गया 2xyz x plus y plus z स्क्वायर था और ये मिल गया 1 मतलब टोटल हो गया 3 राइट बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था है कि नहीं प्लीज जल्दी से लिख लो हाँ मैंने इरेज कर दिया तो आप रिवाइंड करते पूरा अच्छी तरह लिख लेना फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते ओके लास्ट टू एग्जांपल एंड चैप्टर ओवर राइट एग्जांपल 33 एंड एग्जांपल 34 इसलिए मैंने दोनों लिख दिया मैंने बोला फिनिश कर डालते है ना एग्जाम्पल 33 बड़ा बहुत इजी है जैसा हमने इससे पहले इस टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए अगर आप इसको ध्यान से देखो अभी इससे पहले हमने मिसलेनियस में क्वेश्चन दिया था पता ना 1 बाय x 1 बाय 1 एंड 1 बाय z वाला उसको हमने एबीसी तो अगर आप इसको ax इक्वल टू b के फॉर्म में लिखना चाहो बेटा व्हाट इज दैट देखो तो यहां पे 1 0 3 है -1 2 -2 है
एंड 2 - 3 = 4 ये भी है, मतलब ये वाला जो हमारा कोफिशिएंट वाला है मतलब वही तो वही ये है, मतलब ए जो हम लेते हैं एवरी टाइम है नहीं। अब मैं क्या बोला क्वेश्चन तो मेरा जरा समझो बेटा, और बोर्ड के एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना होता है। उन्होंने बोला यूज द प्रोडक्ट, मतलब सबसे पहले आप तो इसका प्रोडक्ट तो ना कंपलसरी है, आप डायरेक्टली बोला तो है सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बट इसको डायरेक्टली नहीं कर सकते, पहले आपको इसका प्रोडक्ट करना जरूरी है। समझ में आया? मतलब जैसे आप इसका प्रोडक्ट करोगे बेटा इसका आंसर आएगा सामने आएगा आई, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप ट्राई कर लेना बेटा, इनका अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 3 × 3 मैट्रिक्स है तो इसका आंसर आएगा बेटा 10001 राइट 0001 यही आंसर आएगा राइट। तो ही हम इसको यूज करते इसको सॉल्व कर सकते, अगर ऐसा आंसर नहीं आता मतलब आपने तो ना तो मल्टीप्लाई में लोचा दिया है, बिकॉज इन्होंने बोला यूज द प्रोडक्ट एंड यूजिंग दैट प्रोडक्ट सॉल्व दिस, तो गारंटी के साथ देता हूं बेटा यही आंसर आएगा। अब दो मैट्रिक्स है बेटा, अगर उसका मल्टीप्लाई आई आता है से एग्जांपल बेटा एक मैट्रिक्स ए दूसरा बी, अगर उसका आंसर आई आता है व्हाट्स मीनिंग ऑफ इट बेटा, दैट द बी इज इनवर्स ऑफ ए बोल सकता हूं, या फिर हमें यह भी पता बेटा ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है आई राइट। तो अगर मैं इसको ए ले रहा हूं तो ये क्या होगा ए इनवर्स होगा, मतलब इस मैट्रिक्स का ऑटोमेटिकली हमें इनवर्स मिल गया, ना ही एलिमेंट्री ऑपरेशन की जरूरत है जो ए हमने यहां से निकाला, ना ही डिटरमिनेंट्स वाला मतलब 1/a एडजॉइन ऑफ ए की जरूरत है। समझ में आया? ना ही हमें एडजॉइन ऑफ ए फाइंड आउट करने की जरूरत है ना उसका डिटरमिनेंट, मतलब हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। समझ में आया? बट हाँ इसको पहले प्रूव करना जरूरी है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते आई लाना है, नहीं सर ने बोला थी ये ए है तो ये इनवर्स ही होगा 100% वही होगा, बट आपको पहले प्रूव करना होता है, इसलिए उन्होंने बोला यूज प्रोडक्ट। समझ में आया फंडा? तो जैसे आप इसका मल्टीप्लाई करोगे आई आएगा ऑटोमेटिकली, मतलब ये आपका हो गया ए इनवर्स। क्लियर? उसके बाद क्या करना बेटा आपको एक्स वाई जेड का आंसर लाना, हमें पता है ए एक्स इक्वल टू क्या होता है बी, मतलब एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स मतलब जो हमें मिला ये वाला, ठीक है, मतलब लिखी देता हूं चलो यहां पे -2 - 9 = 0 - 1 - 1 - 3 - 2 उसका मल्टीप्लाई डायरेक्टली बी के साथ होगा और बी क्या हमें पता है 1 - 1 - 2। समझ में आया फंडा बेटा? मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो दे इमीडिएटली वही आपका आंसर होगा एक्स का, मतलब एक्स वाई जेड तीनों ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। समझ में आया? इसमें एक ही बेनिफिट ये है बेटा कि हमें इसका इनवर्स फाइंड आउट करने नहीं जाना है इस टाइप के क्वेश्चन में, ना ही एलिमेंट्री ऑपरेशन से, ना ही यहां से एडजॉइन ऑफ ए वाली मेथड से, राइट ऑलरेडी हमें दिया है, सिर्फ उसको प्रूव करते हमें बता देना है। क्वेश्चन समझ में आया सब? तो सो इजी बेटा। ओके तो मूव टू द नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जांपल 34। क्या दिया हुआ बेटा? लेफ्ट हैंड साइड इतना बड़ा दिया हुआ है और राइट हैंड साइड हमें लाना है 1 - x² / 3, मतलब हर एक में से x निकाल देना बेटा, राइट वही हमें करना है x निकालना है, ठीक है। तो 1 मिनट बेटा, इस तो अभी इसकी जरूरत नहीं है, अगर आपको जरूरत लगे तो रिवाइंड करके इसको देख लेना या फिर लिख लेना, ठीक है। लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं, मतलब हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाए। ओके क्या दिमाग में आ रहा बेटा? पहला स्टेप यहां पे देख लो, a plus b h से यहां पे h plus b है, चलो इन दोनों का देखते हैं, इन दोनों में है ना बेटा x वाला टर्म, बिकॉज़ लास्ट में u v w l c t से उसके साथ छेड़छाड़ी तो नहीं है। ओके तो h लेके आ जाता हूं बेटा और दोनों को सेपरेट कर देता हूं, हो जाएगा है ना ax minus h कट हो सकता है राइट, मतलब h के साथ मल्टीप्लाई करते राइट, हम क्या कर सकते कट कर सकते है। तो r1 में चेंज कर रहा हूं बेटा, R1 minus x of R2, समझ में आया? मतलब जो पहले में है बेटा a plus b x, उसका minus किससे साथ होगा बेटा x of इस, मतलब a x square minus b x, मतलब ये 30 हो जाएगा और बचेगा क्या a minus a square, समझ में आया पहला स्टेप बेटा, मतलब यहाँ पे बचेगा a minus a x square नीचे वाले बेटा a x plus b और यहाँ पे u as it is, सिमिलरली इनकी बात करें राइट सेम प्रोसेस होगी बेटा तीनों में, देखो
राइट, जो सी प्लस डी एच है बेटा माइनस सी एच स्क्वेयर माइनस एच डी, मतलब ये कट इट, सी माइनस सी एच स्क्वेयर बचे था बेटा, और लास्ट में भी क्या बचे था सिमिलरली बेटा, जो p प्लस क्यू एच है बेटा माइनस पी एच स्क्वेयर माइनस क्यू एच, राइट, मतलब r1 चेंज फ्रॉम r1 माइनस x ऑफ r2, मतलब ये भी कट, मतलब यहां पे बचा p माइनस पी एच स्क्वेयर, और नीचे वाला बेटा सी एच प्लस डी, यहां पे v, यहां पे पी एच प्लस क्यू एंड यहां पे w एज इट इज, समझ में आ गया बेटा, ये इरेजर देता हूं, ठीक है। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, डन, चलो यहां तक कोई कंफ्यूजन। अब देखो ध्यान से बेटा, ऊपर वाले में यहां पे a मतलब 1 माइनस एच स्क्वायर, यहां पे c 1 माइनस एच स्क्वायर, यहां पे p 1 माइनस एच स्क्वायर, आ गए 1 माइनस एच स्क्वायर बाहर जो हमें चाहिए था, डन। तो 1 माइनस एच स्क्वायर कॉमन निकालो बेटा, सो व्हाट इज दैट हियर, यहां पे a बचा, यहां पे c और यहां पे p, क्या बात है, acp मिल रहा है भाई प्रद्युमन आपके सामने है, मतलब अभी ये ax plus b cx plus d एंड यहां पे बचा बेटा px plus q, ठीक है, और यहां पे बेटा u v एंड w as it is, ठीक है, ये x है, ओके। अब क्या करना बेटा, ऊपर वाला acp मिल गया, u v w मिल गया, अब यहां पे चाहिए b d q, ये रहा b, ये रहा d, ये रहा q, है ना, मतलब ax तो हटाना है, cx और px तो एक से ऊपर भी रहा तो ए है, मतलब अगर मैं आर टू तो चेंज कर दू बेटा, आर टू माइनस एक्स ऑफ आर वन, मतलब एक्स माइनस एच हट जाएगा, है कि नहीं, वही तो हमें चाहिए था बेटा, राइट। यहां पे आ गया देखो आर वन तो कोई चेंज नहीं है, ए सी पी एज इट इज, जैसे इस तो एच प्लस बी बेटा माइनस एक्स ऑफ आर वन, मतलब यहां पे क्या आ जाता है एच एच एच, यहां पे क्या बचे था बेटा बी, सिमिलरली सी एच प्लस डी माइनस सी एच, मतलब यहां पे बचे था डी और यहां पे बचे था क्यू और नीचे यू वी डब्ल्यू एज इट इज, और उसके साथ वन माइनस एक्स स्क्वायर तो है ही रहा, हाँ भैया इजी डन। तो ये था हमारा चैप्टर डिटरमिनेंट्स, राइट, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी में सब तो ट्रबल हुआ होगा, बिकॉज बाकी सारे कॉन्सेप्ट तो बहुत ईजी है, इसलिए बोर्ड के एग्जाम में भी बेटा प्रॉपर्टी में से ही क्वेश्चन आता है, तो उसको अच्छी तरह करना है, राइट। हाँ, अगर जरूरत हो तो पूरे चैप्टर तो और एक बार अच्छी तरह रिवाइज कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, मतलब कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो चैप्टर ओवर, हाँ वीडियो तो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना, और चैनल तो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।